सो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक प्लांटेशन बगान का या रूम का वर्करों का जो है वीडियो में स्वागत है। चलिए आज का ब्लॉगिंग वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ दिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, ये लोग जो है साग ये कर रहे हैं, बनाने के लिए साग बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये इंडोनेशिया का वर्कर है और ये किचन देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा किचन है। और यहाँ पर जो है बहुत ही कम वर्कर है, यहाँ पर सिर्फ 8 ही वर्कर है और 8 या 6 वर्कर इस तरह होगा। यहाँ पर 3 वर्कर हैं और 2 रूम के अंदर हैं, वही देखिए। और इधर से बाहर से देख सकते हैं हम लोगों का रूम जो है नीचे है और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ का और पेड़ उड़ देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है आगे। और नीचे वाला जो रूम देख रहे हैं ये हम लोगों का रूम है और ये नए रूम बने हैं जो इंडोनेशिया वर्कर जो लोग नए आए हैं इसमें शिफ्ट किए गए हैं ये लोगों को। ये देखिए वर्कर, इससे बहुत ही ज़्यादा जान पहचान है मेरा। ये देखिए कैसा कर रहा है, मुझे कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन मुझसे होगा नहीं। ये देखिए मैं भी कर रहा का कोशिश कर रहा हूँ, बोलता है ये करने से जो है हाथ उत अच्छा रहेगा और सेहत अच्छा रहेगा, तो यही मुझे सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि किस तरह भी ये सिखाने का मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा है, हालांकि मैं सीखने का उसका ये ट्राई कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल सा ये है, लेकिन बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये बोलता नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आगे और कितना बार करेगा भाई, ये अभी देख सकते हैं। ये अभी देखिए मेरा हाथ पकड़ लिए, अभी हाथ पकड़ के सिखा रहा है ये। ये देखिए इंडोनेशिया वर्कर लोग बैठे हुए हैं, अभी साग बनाएंगे। और फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा चावल खाते हैं भाई, क्योंकि ये लोग जो है इंडोनेशिया वर्कर लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। और ये लोगों को अगर रोटी बना के दिया जाए, अगर जैसे हम लोग बिहार में रोटी खाते हैं चपाती, तो ये लोग नहीं खा पाते हैं, इंडोनेशिया का वर्कर जो है नहीं खा पाते हैं, ना ही इंडोनेशिया का कोई खा पाते हैं यहाँ पर जितने भी वर्कर हैं। तो फिलहाल लोगों को बता दूँ, ये है इंडोनेशिया लोगों का रूम और ये अभी फ़िलहाल नया बना है और यहाँ पर वर्कर रहते हैं। तो बहुत भाई लोग पूछते हैं, तो अभी जो आप लोगों को देखने के लिए मिल गया कि कैसा रूम है यहाँ पर। हालांकि वर्कर हम लोगों का इंडियन वर्कर भी रहते हैं यहाँ पर, मात्र जो है आपको बता दूँ 4 ही रूम है। ये इधर 2 रूम है और इधर 2 रूम है। तो लोग नए वर्कर आए हैं और नया वर्कर आके रह रहे हैं और इंडोनेशिया वर्करों के साथ जो है थोड़ा जान पहचान हो चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा लगता है। और ये लोग जो सिखा रहा था, और उधर देखिए केले वेले का पेड़ बहुत सारे जो है, आप आके यहाँ पर जो है आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लांटेशन का अगर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो सामान होते हैं यहाँ पर आपको खुद से बना के, मतलब भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, ये सब वगैरह जो है और केला जो है फ्री में तो खाने मिलेगा ही। और यहाँ पर हर फल का जो है एक सीजन रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फल भी रहते हैं साइड में जो वर्कर खा सकते हैं। और अभी ये इंडोनेशिया वर्कर अभी निकल गए हैं, दूसरे जगह जाएंगे शायद। और ये देखिए अभी कहाँ जा रहे हैं, चलिए इससे बात कराते हैं। हेलो, इंडोनेशिया वर्कर है ये, देख सकते हैं। और ये इमाम भी है जो नमाज पढ़ाता है मस्जिद। चलिए, मतलब मलाई भाषा में नहीं, हिंदी समझ में नहीं आता इसको, तो मलाई भाषा थोड़ा मतलब हम लोग जानते हैं मलाई भाषा, उसके साथ नहीं बोले हैं अभी। और तो चलिए, ये लोग अभी नए आए हैं और ये घर भी नया बना है जो कंपनी की तरफ से जो है ये नया घर बनाए हैं। और अगर आप मछली अगर पकड़ना चाहते हैं यहाँ पर आके, ये देखिए जाल उल भी रखे हैं ये लोग वर्कर लोग, यहाँ पर देख सकते हैं जाल, इस जाल से जो है मछली भी मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी रहते हैं तो अगर जाल लगा देते हैं तो भी मछली मिल जाते हैं। तो आपको जो है कुछ भी खरीद के, थोड़ा मोड़ा सब्जी जो है खरीद के खाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे सामान जो है आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। वो देख सकते हैं पीछे वर्कर, और इधर देख सकते हैं टंकी और नहाने का बहुत सारे जो है ये रखे हुए हैं, और इधर भी पानी का टंकी रखा हुआ है। तो अगर कभी भी आप आते हैं प्लांटेशन का काम में तो आप लोगों को इस तरह का जो है साइड देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए नहाने का सुविधा कैसा है, बहुत आप लोग को जो है रहते हैं किस तरह रहते हैं, नहा बाथरूम हो, बहुत सारे जो यहाँ पर नहाने का देख सकते हैं सब डब्बे भी रखे हुए हैं। और जो है इस तरह वर्करों को फैसिलिटी दिया जाता है। देखिए मात्र 4, इतना बड़ा इसमें 4 ही टॉयलेट बना हुआ है, इधर 2 है उधर 2 है और नहाने का बीच में है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी सुविधा है जो वर्करों को बहुत ही अच्छा ये लगते हैं। और बगल में ही प्लांटेशन का बगान है, इधर देख सकते हैं प्लांटेशन का बगान।
और इधर जो टंकी उनकी बना के रखे हैं ये लोग पानी उनी, जैसे बारिश होते हैं तो ये खाना बनाने के लिए पानी एक्स्ट्रा जमा करते हैं और पानी जो है पीते हैं वो खरीद के पीते हैं और ये एक्स्ट्रा पानी जमा करके रखते हैं। ये देखिए भी बैगन उगन का पेड़ लगा दिए हैं और बगल में ही केला का ये है बगीचा है। जितना मर्जी है भाई उतना केला काटो और खाओ। और ये पुराना टेलर उलर टंकी उनकी सब गिरा हुआ है। ये देखिए करेला परेला सब हो गया बड़ा बड़ा पेड़, बैगन का पेड़। तो आप लोगों को खरीद के कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, आइए लगाइए और भाई खाइए आराम से। तो चलिए अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं मौसम बहुत ही ख़राब है और बारिश भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी लाइट वेट जला दिए हैं पूरा सब। यहाँ पर इंडियन वर्कर इंडोनेशिया वर्कर जो है रहते हैं यहाँ पर आके, और बांग्लादेश का भी वर्कर रहते हैं। तो रूम वूम आप लोग को देखने के लिए मिल गया किस तरह है और कैसा है। इस तरह फैसिलिटी जो है अच्छी तरह मिलेंगे आप लोगों को और रूम का भी फैसिलिटी अच्छी तरह है। तो आप लोगों को बाहर का नज़ारा या अंदर का पूरा दिखा दिया, आप लोग डाउट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को इसको, क्योंकि देखिए ये गेट अच्छे से बना के रखें क्योंकि बगल में ही जंगल है दोस्तों लोग, तो इसीलिए जो है सब कुछ अच्छा से बना के रखते हैं। खिड़की देखिए इस तरह खूबसूरत सा खिड़की है और ये बगान है। अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है तो अभी मुझे रूम भी जाना होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा रूम थोड़ा दूर में है, आगे है दूर। तो चलिए अभी बारिश वरिश होने लगा है, कपड़ा उपड़ा मेरा रखा हुआ है आगे, उसको ये करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा। तो ये हमारे साइड का नज़ारा देख सकते हैं किस तरह ना साइड है।